मेरे पापा अभी बीमार थे ना, उनकी एज 90 ईयर्स है, तो ब्रदर का फोन आया रात को 2 बजे कि ऐसा ऐसा हो गया है, बीमार है, वो एडमिट है। अब 2 बजे फोन आया तो मुझे नींद नहीं आ रही, मैं सोच रही हूँ कि यार ये कैसे, ये एज जो है तो बड़ी परेशान करती है, अगर ठीक है तो सही है, और जरा सा कुछ भी दूसरों डिपेंडेंट हो गए ना तो वो फिर मुश्किल हो जाता है। अब नींद नहीं आई थी फिर मेरा दिमाग नहीं चलने लगा और मैं लिख डाली अच्छा एक अमृता जी जो हमारे वहाँ आती है, उन्होंने मुझे एक दिन बड़ा मजेदार किस्सा सुनाया है इस तरह का। बोले कि सर उनको बहुत लिखती है वो, आपने तो इसमें भी डालती है तो आपने देखा होगा कि वो बड़ी न्यूज पेपर है उसके लिए लिखती है। बोले कि एक रात को नींद नहीं आ रही थी, मुझे हस्बैंड सोए हुए थे, अब स्थिति ऐसी थी कि मैं टेबल लैम्प भी नहीं जला सकती थी, उनको नींद आ रही, थके हुए थे तो सोए हुए थे वो। तो मैंने क्या करा, मैं हमेशा वो बोलती है कि मैं अपने बगल में मतलब आईपैड भी मैं अगर खोलती तो उसकी भी लाइट आती है, लेकिन मैंने क्या करती कि मैं एक नोटबुक और पेन अपने पास में रखती थी। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कुछ तो मैं लिख देती हूँ, मतलब जो भी विचार आए मैंने रात को लिखने शुरू कर दिए, और मैंने वो लिख के उसको रख दिया। जब सुबह देखा पेपर खाली, एकदम घबरा गई, कहाँ गए वो सारा सब कुछ कहाँ गया। तो बोली कि पता चला कि पेन में इंक ही नहीं। तो वो इस तरह की बड़ी किस्से कहानियां बहुत सुनाती हैं, क्या बोलते हैं अपना अमृता जी।